मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। महेश्वरम हलके इंचार्ज अंदेला रामलू यादव के जलपल्ली के इलाके में पैदल दौरे के बाद TRS पार्टी के वर्कर्स हरकत में आते हुए कचरे के अंबार को साफ करवाया और जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीण पर लापरवाही बरतने का भी इल्ज़ाम लगाया। सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कंटेस्टेड MLA रामुलू यादव के दौरे से TRS कायदीन अपनी पार्टी के तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ़ हो गई है। ख्वाजा पाशा ने मजीद बताया कि अगर TRS के वर्कर्स ईमानदारी से अवाम के मसाइल पर काम किया होता तो आज कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं होती। BJP कंटेस्टेड MLA अंदेला रामुलू यादव ने सबिता इंदिरा रेड्डी को डेबिट करने का भी चैलेंज किया। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आज मीडिया के दुमान से बात करते हुए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कल हमारे कॉन्टेस्टेड MLA अंदरा श्री रामलू साहब और इंचार्ज मैश्रम कॉन्स्टेंसी का कल एक मामूली दौरे पर कई लोगों के पसीने छूट गए, मगर यहाँ पर आवाम को जो तकलीफ थी हक बताए, क्योंकि रोड पे इतना कचरा था, कचरे के अंबार थे, गंदी चीज़ें थे, उससे बीमारियों का मसला, रात में लाइटों का मसला था, हक बताए। तो आजकल हक बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है, मगर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अंदरा श्री रामलू साहब एक ऐसी शख्सियत है जिससे वाकिफ़ नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि होमवर्क करके आओ, मगर उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने होमवर्क करके नहीं आते, उन्होंने होमवर्क कराते। और अब देखो, आप मामले से दौरे में तुम लोगों को होमवर्क करना पड़ा, तो लिहाजा हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये सियासी बात या पर्सनली नहीं है, काम नहीं करते तो तनखीद करते, काम करें तो हम तारीफ भी करते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं बंडी संजय साहब मस्जिदों के बारे में बोले, वैसा तोड़ देते बोले, उन्होंने बोले, मगर कोई पैदा नहीं हुआ तोड़ने के लिए यहाँ। मगर TRS गवर्नमेंट में KCR तुम्हारे 7 मस्जिदें शहीद कर दिए, 7, 8वीं और एक है, तो फिर उनको बोलो ना। कई लोग इत्तेजाज करे और बोले कि माइनॉरिटी के लोग TRS से निकल जाओ अगर ईमान जिंदा है तो बोल के, मगर नहीं, BJP वाले बोलते, मगर उसके लिए हम काउंटर भी दिए, हक की आवाज़ के लिए आवाज़ भी उठे, मगर आज चंद पानी के बुड़बुड़े निकल कर रामलू साहब के बारे में गैर गलत बोल रहे हैं। सर सियासी है, जमहूरियत है, बोल सकते हैं, मगर इंशाल्लाह रामलू साहब की शख्सियत और रामलू साहब क्या चीज़ है अभी आप लोगों को नहीं मालूम, और कई लोगों को तो कंटेस्टेड MLA बोलने नहीं आ रहा, तो पहले आप होमवर्क आप लोग कर लो, और इंशाल्लाह रामलू साहब 15 दिन का टाइम दिए मगर 24 घंटे में काम होगा। वाकिफ मैं ऐसी मीडिया को और जो हकायक बताने वालों को सलाम करता हूँ जो आवाम का फ़ायदा पहुँचाते। और एक चीज़, कुछ लोग हमको गैर गलत बोल रहे हैं नाम नहीं लेके, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, पार्टियाँ कोसे भी होंगे, आपकी पार्टी भी गैर मुस्लिम है, मेरी पार्टी भी गैर मुस्लिम है, मगर मेरी पार्टी कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़े तेलंगाना में, बता दो आप। यहाँ अभी मैं मेरी पार्टी को छोड़ लेता हूँ और सियासत से संन्यास ले लेता हूँ, मगर आपके KCR साहब 12% रेजोल्यूशन बोले, सेकुलर लीडर है, माइनॉरिटी को इंसाफ दिलाने वाले, इसलिए हम भी उनका साथ दे रहे हैं। अगर ऐसी रहेगा तो इंशाल्लाह फिर हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और एक मैं मैसेज दे रहा हूँ, हम डरते और घबराते भी नहीं हैं, और बड़ी बात से तोबा कॉन्ट्रोवर्सी दे रहे हैं, दीजिए आप, आपकी जमरत है, आप आपके आखा की दे रहे हैं, हम हमारे आखा की दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले एक साहब बोल रहे हैं कॉन्टेस्टेड MLA, वो तो बोलने नहीं आ रहा, होमवर्क आप करिए साहब, आप भी कहाँ कहाँ से है सो मालूम है हमारे को, लिहाजा होमवर्क करिए, इन्हों प्रोफेसर है, इन्हों सबको होमवर्क देते पढ़ाते, तो मामले 1-10 मिनट के झटके में तुम लोगों के नीना उड़ गए, तो ऐसा कैसा है।
बोलो फिर आपकी अम्मा को बोल के कामा कराओ। और इंशाल्लाह एक तो बात है भाई, ये रील आखिरी है, यहाँ से बीजेपी का झंडा लहराएगा, सिमराज साहब हमारे उनका हाथ मजबूत करेंगे और एमएलए बना के बता देंगे हम तुम्हारे को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।